एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 वाले ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 8 एंड पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट में बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर आपके पास बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम सुनने खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना वो है आपके पास 10th साइंस मैथ्स पेयरिंग स्कीम एग्जाम 2024। बच्चों आपको पता है कि आपकी जो डेट शीट है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। 11 मार्च को बच्चों आपका मैथ्स का पेपर होगा। वैसे जो आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं ना वो तो 1 मार्च को हो रहे हैं, लेकिन इंग्लिश का जो बच्चों पेपर है वो आपके पास 4 मार्च एग्जाम 2024 को होगा और 11 मार्च को बच्चों एक छुट्टी है आपके पास मैथ्स के पेपर में। तो आपके पास अब टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्म करने का। चौकस होके आपने अपनी मैथ्स की प्रेपरेशन करनी है, बल्कि हर एक सब्जेक्ट की प्रेपरेशन करनी है। एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है। अगर हम मैथ साइंस की बात करें ना तो बच्चों 75 मार्क्स का आपके पास टोटल पेपर होगा, जिसमें से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपको पता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मैथ्स की बुक है ना और आप चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो बच्चों याद रख ले मेरी इस बात को कि एमसीक्यूज ना आपके पास 15 मार्क्स के आने हैं। आपके पास जो एमसीक्यूज है ना वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करके जाने हैं, 15 मार्क्स के आएंगे। अब दो दो एमसीक्यूज किस किस चैप्टर में से आएंगे, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 में से बच्चों आपके पास 2 एमसीक्यूज आने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के सेंस में भी और शॉर्ट के सेंस में भी। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 सेट एंड फंक्शंस में भी बच्चों आपके पास 2 एमसीक्यूज आने हैं। और याद रखें बाकी तमाम चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आना है। याद रखें अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं ना तो पुट कर आपने क्या करना है कि बैक में हर चैप्टर के लास्ट में जो एमसीक्यूज गिवन है ना वो बस अच्छे तरीके से लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों ने करने हैं। इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज की सेंस में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। किस किस चैप्टर से आने हैं, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से आपने जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1 में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 में से भी बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, वेरिएशन चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास बच्चों 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास किस किस चैप्टर का पेयर बनेगा, चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 में से बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, इसमें से आपने जस्ट कितने अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों आपने अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन की जो डेफिनेशंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इसी तरह सेट एंड फंक्शंस में से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने, चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स में बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। लास्ट में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों इसी तरह का रूल है कि आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट कितने अटेम्प्ट करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास बच्चों 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, बाकी जितने भी चैप्टर है ना आपके पास, चैप्टर नंबर 8 प्रोजेक्शन ऑफ अ स्लाइड ट्रायंगल कोर्स ऑफ सर्कल, चैप्टर नंबर 9 टेंजेंट टू अ सर्कल, चैप्टर नंबर 10 कोर्स एंड आर्क, चैप्टर नंबर 11 एंगल इन अ सेगमेंट इन ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 12 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इन अ सर्कल, चैप्टर नंबर 13। इसमें से ना यहां से लेकर यहां तक बच्चों आपके पास जस्ट इसने क्या पूछना है, डेफिनेशंस डेफिनेशन। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं ए बी के सेंस में, ठीक है। अब ए बी के सेंस में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का पेयर बनेगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 एंड 1.4 में से कौन-कौन से क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम 2024 में आने हैं। आप लोग निकाल लें अपनी बुक्स 10th क्लास की। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 वाले ये वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 8 एंड पार्ट नंबर 9 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। हाय। इसके बाद बच्चों लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स सुन ले मेरी बात, एग्जाम्स में बहुत कम टाइम है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे बच्चों आपके पास। एक्सरसाइज 1.3 है बच्चों आपके पास, इसकी तक का
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट में बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट में बच्चों आपके पास समरी में आप देख सकते हैं, ना जाने कब छूटेगी जान हमारी मैट्रिक से, हम भी तो कभी जिंदगी की बहारें देखेंगे, हम तो देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। इसके बाद बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके पास रिव्यू में शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर आपके पास बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 2.3 में बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, घर जाकर करें, घर आकर करें, एकेडमी जाकर करें, स्कूल आकर करें, स्कूल से जाकर करें, घर बैठकर करें, किसी जगह पर बच्चों आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। हाय 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 मैं सदके जावा, मैं वारी जावा, एक्सरसाइज 2.5 जो है वो मैं करते ही जावा, क्योंकि आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट में बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 और इसी तरह लास्ट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अगर किसी की किस्मत हरी हुई ना तो उसको 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है। जितनी ज्यादा बच्चों आप 2 चैप्टर में मेहनत करोगे, 1 चैप्टर पे मेहनत करोगे तो आपको इंशाल्लाह 1000 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में दुख ना आए तो सुख की अहमियत कौन समझेगा। इम्तिहान में मेरे 1000 प्लस मार्क्स ना आए तो मेरी खाक अहमियत कोई समझेगा। बच्चों यही टाइम है पढ़ने का, यही टाइम है बेहतरीन पढ़ने का। अगर आपकी कोई भी तैयारी नहीं ना एग्जाम 2024 में बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर अवेलेबल है। ये आप मैथ्स का बच्चों अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरा पूरा पेपर हमारे पास अवेलेबल है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम्स में आए भी हुए, रिजल्ट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जाम 2023 में बच्चों जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे ना 1004 नंबर है, रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आमना का बच्चों आप रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल नंबर 1035 हैं। दाऊद अली का भी बच्चों रोल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और टोटल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 1041 है। मलाइका वसीम का भी बच्चों रोल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 1048 नंबर है। मैथ्स में नंबर चेक आप अपनी स्क्रीन पर मैथ्स में नंबर चेक करें बच्चों 75 में से 75 मार्क्स हैं। अगर बच्चों आप भी चाहते हैं कि यार आपके भी 1000 प्लस मार्क्स हैं तो बच्चों आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर कांटेक्ट करें, आपको सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर मिलेंगे। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, उर्दू है, पाक्षणी, सारे सब्जेक्ट्स के बच्चों आपको टीसीएस वाले घर पकड़ा कर जाएंगे, पैसे आपने बाद में देने। इन सारे गेस्ट पेपरों की प्राइस है 1999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। बच्चों जितनी ज्यादा हमने आपके लिए गेस्ट पेपर्स में मेहनत की है ना तो थोड़े वक्त में बच्चों आपके पास ये चांस है कि बहुत अच्छे नंबर गेन करने का। जिन जिन स्टूडेंट्स ने गेस्ट पेपर मंगवाए थे आप उनका रिजल्ट भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1000 प्लस नंबर है। अगर आपकी भी कोई तैयारी नहीं है और आप अपनी तैयारी भरपूर करना चाहते हैं कम वक्त में तो हमारे गेस्ट पेपर्स का लाजमी ऑर्डर दें, जिससे बच्चों आप ही को फायदा होगा। जितने ज्यादा अच्छे नंबर होंगे उतना ज्यादा अच्छा कॉलेज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ए और जो बी पार्ट बनेगा वो बच्चों चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का बनेगा। चैप्टर नंबर 3 के जो बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, एक ही लॉन्ग है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4, 3.2 बच्चों आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट लॉन्ग में नहीं है, लेकिन 3.4 और 3.6 आपने चैप्टर नंबर 3 से करनी है। अगर 3.2 के करने भी हैं तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 का एक्सरसाइज 3.3, ये बच्चों सारी की सारी आपके पास आप थर्ड प्रोपोर्शनल है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है, मीन प्रोपोर्शनल है और आपके पास कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। ये आपने सारे के सारे नहीं करने बैठ जाने, जो जो हमने गेस्ट पेपर में दिया हुआ ना हमने अपने गेस्ट पेपर में सिर्फ आपको वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहां से पेपर आना है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना हमने सिर्फ वही दिया हुआ है जो बार 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 बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। और जल्दी करें हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं, ये ना हो कि जब आप ऑर्डर दें तो हमारे पास वो गेस्ट पेपर्स ही खत्म हो जाए। 3.4 के बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह आपके पास जो इंपॉर्टेंट है ना पेज नंबर 63 पे
क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर सेवन वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन 3.5 यार लॉन्ग क्वेश्चन में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3.6 वेरी वेरी बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर सिक्स एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर वन टू एंड थ्री वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। किसमें? लॉन्ग क्वेश्चन में। लेकिन आपने सारे सारे नहीं करने बैठ जाना, जो हमने गेस्ट पेपर में दिए हुए ना हर साल रिपीटेड वही क्वेश्चन आते हैं यार, वही क्वेश्चन आते हैं, तो आपने हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाना है। इससे बच्चों आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा जिंदगी में। अगर आपने कुछ करना है ना, तो अब आपको सुबह दोपहर शाम पढ़ना है, मोबाइल की जान छोड़ दें। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो बच्चों इस मोबाइल की जान छोड़ दो। जब तक आपके पेपर नहीं होते, फिर यार आप जो मर्जी करो लिमिट में रहकर, लेकिन अपने एग्जाम से पहले पहले तक आपने इतनी अच्छी तैयारी करनी है, इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि आपको लगे कि हाँ यार मैंने तैयारी की है, आगे अल्लाह पे डाल दें। लेकिन आप अपनी तरफ से तैयारी तो करें ना। एक्सरसाइज 4.1 में बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4.3 क्वेश्चन नंबर वन बस आप कर लें, 4.4 तक एग्जामिनर नहीं जाता। जो जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताया ना, बस अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने अपने ऊपर डम करें, अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशन करना शुरू करें। और यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपने चैप्टर नंबर वन टू थ्री फोर किसी भी चैप्टर का बच्चों रिव्यू ना छोड़ना, रिव्यू नहीं आपने छोड़ना, क्योंकि रिव्यू में से बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। हाय 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 हाय, इस शायर को शेर याद आया है, हर सब्जेक्ट पढ़ने को दिल करता है, हर सब्जेक्ट पढ़ने को दिल करता है, ना जाने क्यों मैथ से दिल डरता है, दिल तो बच्चा है जी, हाँ जी थोड़ा कच्चा है जी, हाँ जी। चैप्टर नंबर फाइव और चैप्टर नंबर सिक्स का बच्चों पेयर आना है। चैप्टर नंबर वन में तो आप भूल जाए ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आना है, चैप्टर नंबर टू में आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूनियन इंटरसेक्शन एंड आल्सो मैंने लिखा भी है डी मॉर्गन लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फाइव चैप्टर में। एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 का क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास थ्री वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास सेवन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.3 में बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अगर मैं बच्चों आपको पूरा पूरा पेपर दिखा दूं ना कि एग्जाम्स में आना क्या क्या, ये है पूरा पेपर, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह को कम से पूरा पूरा पेपर ये आना है। जैसे ही आपके पेपर होंगे इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि भी हमारे पास्ट पेपर में से ना हमारे गेस्ट पेपर में से आया क्या क्या, ये पेपर है पूरा आपके पास एग्जाम 2024 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी पार्ट जो बनेगा ना, वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 का पेयर बनेगा। 7.1 नो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, 7.2 भी बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है, 7.3 आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड आल्सो क्वेश्चन नंबर 10। 7.4 की अगर हम बात करें ना, तो बच्चों इसके आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हैं। 7.4 क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 एंड आल्सो क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। 13.1 की बच्चों अगर हम बात करें ना, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट नहीं। 13.2 वेरी वेरी बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 13.3 बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कंपलसरी है बच्चों, थ्योरम आपने करना ही करना है, चैप्टर नंबर 9 का या चैप्टर नंबर 12 का। चैप्टर नंबर 9 का जो पहला वाला थ्योरम है ना बच्चों, इस पे आपने मिट्टी डालनी है, ये नहीं ज्यादा आता। जो आपके पास ज्यादा आता है ना, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 4 और 5, आपके पास कितने थ्योरम है चैप्टर नंबर 9 के, तो आपके पास ये मौका है कि चार थ्योरम करके अगर आप एक थ्योरम अटेम्प्ट करते हो, एक थ्योरम के बच्चों आपके पास कितने नंबर हैं, 8 मार्क्स हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर बच्चों आपके पास जो 12 है ना, इसका जो थ्योरम नंबर 1 है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरम नंबर 2 बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थ्योरम नंबर 4 आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बच्चों एक चीज बताऊं ना, तो आपके पास जो इतने इतने लेंथी थ्योरम है ना, ये करने का फायदा नहीं है। आपने जो हमारे गेस्ट पेपर में थ्योरम अवेलेबल है ना, जस्ट बच्चों आपने बस वही करना है, अल्लाह का नाम लेकर जो जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, जो जो मैंने आपको लॉन्ग में बताया, सिर्फ और सिर्फ आपने ये देख सकते हैं कि हमारे पास गेस्ट पेपर जो अवेलेबल है ना बच्चों, उसमें पूरा पूरा पेपर भी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास पूरा पूरा पेपर है, जो सुबह टाइम आना है, जो शाम टाइम आना है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर रिजल्ट कार्ड भी देख सकते हैं एग्जाम 2023 में बच्चों, जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे 1004 नंबर है। इसी तरह बच्चों आप आमना का रोल नंबर चेक करें और टोटल नंबर चेक करें 1035 है, दाऊद अली का रोल नंबर चेक करें 1041 नंबर है,
है। रिजल्ट कार्ड बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिजल्ट कार्ड चेक करें, मलाइका वसीम का 1048 नंबर है बच्चों। आप रिजल्ट कार्ड भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैथ में टोटल नंबर भी आप देख सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि यार आपका भी 1000 प्लस मार्क्स आए तो बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर कॉन्टेक्ट करें। जितना हमने आपको गेस्ट पेपर में दिया है ना, ये देखें हमारे पास गेस्ट पेपर में बच्चों एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है, सारे सारे हमने पेयरिंग स्कीम भी आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएगी। जो हमने आपको गेस्ट पेपर में दिया हुआ ना, बस आपने बच्चों दिल लगाकर पूरी जान के साथ पूरी मेहनत के साथ बस वो करना है, इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 1000 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2024। जितना भी बच्चों अब आपके पास वक्त है ना, इसको आपने वेस्ट नहीं करना, दिल लगाकर पढ़ें, क्योंकि आपने अब अच्छे कॉलेजेस में जाना है। जितने ज्यादा अच्छे कॉलेजेस में जाओगे उतनी ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे तो आप कॉलेज में जाओगे ना। मेहनत आप करते नहीं हो, बातें आपकी खत्म होती नहीं है, तो आप लोगों ने कैसे 1000 नंबर लेने हैं। तो बच्चों आपके पास यही टाइम है पढ़ने का, हमारे गेस्ट पेपर को लाजमी अपने घर मंगवाएं, अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम।